गाड़ियों की ऐसी कतार शायद ही पहले कभी आपने देखी होगी। जी हाँ, दरअसल ये गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें गुरुग्राम में चलाए जा रहे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन लगवाने के लिए लगी हुई है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए गुरुग्राम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ड्राइव का ट्रायल किया, जिसमें 200 लोगों को ट्रायल के तौर पर वैक्सीन की दूसरी डोज दी। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक दिन पहले अखबारों और मीडिया के द्वारा शहर में प्रचार किया। इसके लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, बल्कि यहाँ वॉक इन वैक्सीनेशन की गई, जिसकी वजह से हजारों लोग एक साथ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि लोगों ने इस तरह की शुरुआत का स्वागत किया है। हमें पता चला था कि सवेरे 10 बजे से वैक्सीनेशन होगा, तो हमें ये आइडिया था क्योंकि सिर्फ 200 ही डोजेज हैं तो लाइन लगने के चांसेस हैं, तो हम सवेरे 6:30 बजे आ गए थे। और ये जो व्यवस्था करी गई है ड्राइव इन की, तो इसमें सबसे बढ़िया ये है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही हो जाती है, और ये कि संक्रमण का खतरा सबसे कम रहता है यहाँ पे। आज हमने गुड़गांव में शॉपिंग मॉल्स में एक ड्राइव थ्रू का अभियान शुरू किया। पार्क प्लस के साथ मिलकर हमने जो भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन में कोशिश कर रहे हैं, ये पहली साइट है जिसमें हमने ड्राइव थ्रू का अभियान शुरू किया है। आज 200 लोगों को हमने स्लॉट दिया है। इसके लिए सिर्फ सेकेंड डोज लगेगी, वो भी कोविशील्ड की लगेगी। आने वाले दिनों में हमने DLF से और पार्क प्लस के साथ या जितने भी पार्क प्लस के पार्किंग स्लॉट्स हैं या कुछ ऐसे स्कूल, हमने 30 स्कूल भी चिन्हित किए हैं। अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी लगातार बनी रहेगी तो हम ना केवल 45 प्लस सेकेंड डोज के लिए करेंगे, बल्कि हम 18-44 जहाँ प्री बुक अपॉइंटमेंट के साथ भी है, इन सब जगह पर हम ड्राइव थ्रू की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ करने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज और फ़ायदा ये रहेगा कि आपको गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, भीड़ भाड़ की जगह में आपको जाना नहीं पड़ेगा। जब भीड़ भाड़ की जगह में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा ऐसा बीच में क्वेश्चन या इश्यू उठ रहे थे कि वैक्सीनेशन साइट्स भी अपने आप में एक कोरोना स्प्रेड का कारण बन सकती हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने आज ये एक तरह का ट्रायल रन किया है। ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। मैं गुड़गांव की जनता से अनुरोध करूंगा कि बाहर बहुत लंबी लाइन है, लेकिन अभी आज क्योंकि एक ये ट्रायल रन था और सिर्फ 200 लोगों का स्लॉट था, तो मैं वो जो उसके बाद 200 लोगों के बाद जिनको असुविधा होगी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के ड्राइव थ्रू जितने भी पॉसिबल हमारे पार्किंग स्लॉट्स हैं, क्योंकि गुड़गांव कॉरपोरेट का बहुत बड़ा हब है। मुझे उम्मीद है कि अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अगर अच्छी क्वांटिटी में रहेगी तो हम 40 से 50 जगह पर हम इस किस्म का अभियान चला सकते हैं। सर, आगे जो अभियान चलाने की प्लानिंग है, क्या वो भी इसी तरह विदाउट रजिस्ट्रेशन के लोग आ सकते हैं या फिर नहीं? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दोनों वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड रहेगा। अगर हुआ तो हम स्लॉट देकर के लोगों को 18-44 में भी इस तरह का अभियान में लाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दोनों को 45 प्लस की भी और 18-44 की भी। 45 प्लस में वॉक इन रहेगा हमेशा, 18 से 44 में जैसा कि आपको सभी को मालूम है रजिस्ट्रेशन और प्री अपॉइंटमेंट फिक्स रहेगी। लेकिन जब वो पहले से पोर्टल पर अगर निर्धारित हुआ होगा तो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, तो आपको मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा इशू आएगा। तो वो लोग पर्टिकुलर पार्किंग लॉट में या उस स्कूल में जहां हम ड्राइव थ्रू करना चाहेंगे वहां जा सकते हैं, उसमें कोई चेंज करने की ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें 18-44 में अपॉइंटमेंट के बाद। गुरुग्राम में चलाए गए इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ट्रायल को जिला प्रशासन सफल बता रहा है, क्योंकि यहां पर वैक्सीनेशन में लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन वॉक इन वैक्सीनेशन होने की वजह से लोग यहां पर सुबह 6:30 बजे से लाइनों में लगना शुरू हो गए, जबकि वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे शुरू किया गया था। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।